अस्सलाम वालेकुम गाइस, आज मैं आपके लिए मूंग मसूर की दाल और साथ उबले हुए चावल बनाने जा रही हूँ। झटपट 15-20 मिनट में ये रेसिपी तैयार हो जाती है, तो आए चलें देखते हैं ये किस तरह से तैयार होती है। वेलकम वेलकम नादिया अफजल के चैनल में वेलकम। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैं आप सबको झटपट दाल चावलों की रेसिपी दूँगी, वो भी मेरे स्टाइल में। उसके लिए मैंने ली है मूंग मसूर की दाल, ये तकरीबन आधा किलो दाल है। और हमारे घर में जौन सी है ये मसूर की तो ठीक है दाल, लेकिन ये जो मूंग की दाल है ये हमारे घर में यही वाली यूज़ होती है, छिलकों वाली, बगैर छिलकों वाली हम लोग नहीं खाते, इसीलिए यही बन रही है आज, वो भी मेरे स्टाइल में। चलिए आए देखते हैं। उसके लिए सबसे पहले मैंने 2 मग पानी के लिए, झटपट सी बड़ी जल्दी से बन जाने वाली ये दाल है और बहुत ही मज़ेदार बनती है। अब इसमें हम खुश्क मसाले डाल लेंगे, आधी चम्मच हल्दी, 1 चम्मच लाल मिर्च, 1/2 चम्मच सूखा धनिया और 1 चम्मच या हस्बे जायका नमक, और कुछ मेरे पास लहसुन के जवे हैं साबुत, मैंने इन्हें बारीक बारीक काट लिया लंबाई में, वो बस, और इसके अंदर कुछ भी नहीं जाएगा। और अब इसे हम पका लेंगे, 10 से 15 मिनट में ये झटपट तैयार हो जाएगी। तो जब तक हमारी दाल बन रही है तब तक मैंने ये एक पतीली लिया, उसके अंदर पानी भर लिया, इसमें मैं चावल बॉईल करने लगी हूँ, पानी उबलने के लिए रखने लगी हूँ। सिर्फ मेरे पास 1 चम्मच नमक है जो मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अभी, इस जब तक पानी पकता है। ये देखिए हमारी दाल जो सी है वो गल गई है, एक जान हो गई है, तो आए अब इसका बघार तैयार कर लेते हैं। मैंने कुछ लहसुन के जवे लिए, उन्हें मैंने काट लिया, इसमें मैं घी डाल रही हूँ, तकरीबन 2 टेबल स्पून घी है, आप ऑयल भी यूज कर सकते हैं। ये हमारा जो लहसुन है ये लाल हो गया, अब इसे हम दाल में डाल देते हैं। पानी में हमारे बॉईल आ गया, अब इसके अंदर मैंने ये चावल धो लिए हैं, 1 गिलास चावल है, इन्हें मैंने भिगो लिया था 20 मिनट, अब ये डाल दूंगी। अब इसको हमने ढक के पकाना जब तक ये गल ना जाए अच्छे से। ये देखिए फ्रेंड्स हमारे चावल पक गए हैं, बिल्कुल गल गए हैं। अब इसमें जो उनसे एक्स्ट्रा पानी है ना वो मैं ऐड करके फिर आपको दिखाती हूँ। ये मैंने पानी अलग कर लिया, देखिए कितने अच्छे हमारे खिले खिले चावल बने हैं। ये हमारे चावल दम पे हो गए हैं, अब इसे मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो गाइस हमारे ये दाल चावल तैयार हैं, इसके ऊपर मैंने मिक्स गरम मसाला जो सा है वो स्प्रिंकल किया है। जरूर ट्राई कीजिएगा, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।